हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी की क्लास देखते हैं हिस्ट्री की, और इस हिस्ट्री के क्लास में आज हम जिस चरण की आपसे चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिसे गांधीवादी चरण कहते हैं। गांधीवादी चरण जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टीजीटी और पीजीटी के लेवल के क्वेश्चन हैं, तो जितने भी टीजीटी पीजीटी के भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत मस्त है। बाकी जो जो कह रहे हैं 6 to 8 वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा नहीं है उनके लिए नहीं है। तो जितनी बेहतरीन आप तैयारी करेंगे उतना ही बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए बिना कॉपी और कलम के आप लोग मत बैठिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी उनको नोट्स बनाते हुए चलेगा, बहुत आराम के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। जो सत्याग्रह की क्रियाविधि है, गांधी ने उसको सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया, तो कहाँ किया था भैया, चंपारण में किया था, याद रखिएगा। कहाँ किया था, चंपारण में। और ये आपका चंपारण कहाँ है, तो ये आपका चंपारण कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि लोग पूछते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो जो आपका चंपारण है वो चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। अब देखिए चंपारण से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उनसे चीज़ें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको भी आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो ये आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, यह भी आपको याद रखना होगा। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया था, तो वो थे राजकुमार शुक्ल, ये भी याद रखिएगा। कौन थे, राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था कि आइए और जो है यहाँ की जो समस्या है इसको आप दूर करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, ठीक है। आपको जवाब देना है बुटकेश्वर दत्त नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, तो किसने जो है गोली मारा था, वो भगत सिंह ने जो है गोली मारा था सैंडर्स को, ठीक है। अब देखिए जो सैंडर्स है वो एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, कब मारा था, तो ये भी याद रखिएगा। आपको मैं बता देता हूँ, 17 दिसंबर और 1928 को, ठीक है। भगत सिंह ने जो उस समय का सहायक पुलिस अधीक्षक था, DYSP था, जॉन सॉन्डर्स, उसकी गोली मारकर हत्या कर देती है, और इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो आपको ये भी नोट करना है, इससे भी रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया, आपको बताना है, तो तीसरे का राइट जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नारे को दिया था, याद रखिएगा, जय हिंद का नारा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो आपको इसका जवाब देना है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चौथे का राइट जवाब दीजिए, वो कब किया था, तो इसका राइट जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा, तो इसका राइट जवाब होगा भैया 1940, क्या होगा 1940। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं।
वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो वो कौन सा था? आपको पांचवें का राइट जवाब देना है, तो बताइए जल्दी से किसको सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था, आपको राइट जवाब देना है, तो वो है आपका हैदराबाद। इसी को बलपूर्वक सैनिक कार्यवाही के द्वारा जो है भारत के संघ में मिलाया गया था। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बच्चा बच्चा इस कथन को जानता है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो सातवें का राइट जवाब होगा चित्तरंजन दास जो है, इनको देश बंधु की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है और आपको जवाब देना ही देना है, जो इसका राइट जवाब होगा क्या होगा, तो बताइए जल्दी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये हुआ था, पहले ये जान लीजिए, 19 दिसंबर 1929 को हुआ था भैया, ठीक है, और कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। कौन से? लाहौर अधिवेशन में। ये अधिवेशन कौन था? लाहौर अधिवेशन था, ये भी आपको नोट करना है। तो यहीं पर पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नौवें क्वेश्चन पर चलते हैं, नौवां क्या कह रहा है देखते हैं और उस क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए इसका राइट जवाब दीजिए, तो वो था आपका 8 अगस्त 1942 को, डी आपका राइट जवाब होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास किया था, और किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का भाषण भी दिया था, आपको ये भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और 10 क्या कह रहा है जल्दी से इसका राइट जवाब देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? तो आपको इसका राइट जवाब देना है क्या होगा, तो वो था भैया 1943, अर्थात कह सकते हैं 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर या सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11 क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 11 का आपको राइट जवाब देना है क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, मिलान करना है, देखते हैं। कह रहा है कि अब्दुल गफ्फार खान, इनका राइट जवाब क्या होगा, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो आपका बना क्या 2, 3, 1 और 4, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, 11 का बी आपका राइट जवाब होगा। चलिए 12 पर चलते हैं और 12 का राइट जवाब देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया, इसका आपको राइट जवाब देना है 12 का। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण बिल्कुल नहीं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण नहीं, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण नहीं, चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी। क्या हुई थी? चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी उसको हम आपको बताते हैं कि घटना क्या हुई थी। देखिए घटना ये हुई थी कि जो चौरी चौरा है ये भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में पड़ता है, आपको याद रखना होगा। कहाँ पड़ता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। 4 फरवरी 1922 को
भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे, जिसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो मैं आपको इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ये पड़ता है यूपी के गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। और घटना हुई थी कब? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, समझ में आई घटना। चलिए, 13 कह रहा है कि वर्ष 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये सबको पता है जलियावाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जलियावाला बाग हत्याकांड, इससे संबंधित मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ। चलिए देखते हैं इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। नोट बनाते चलिएगा आप लोग, अपने साथ एक नोट रख लीजिएगा। 13 जो है आपका अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने जलियावाला बाग नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोली भारी की थी, जिसमें इसका आदेश देने वाला जनरल डॉयर था। ठीक है, जो जनरल डॉयर था उसके कथन पर जो है गोलियां चलाई गई थी और निहत्थे बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो 14 का आपको राइट जवाब देना है, 1930 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, कि लाहौर षड्यंत्र के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। तो 15 का राइट जवाब क्या होगा? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स जो डिप्टी एसपी था उसकी हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार दे दिया था? तो ये आपको पता है 1919 का रॉलेट एक्ट होगा। क्या होगा राइट जवाब बताइए? बिल्कुल सही जवाब है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बिना अपील बिना दलील का कानून भी, इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो 17 का राइट जवाब होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? 18 का आपको राइट जवाब बताना है, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कहा है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करता तब सी राजगोपालचारी होते, तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 19 कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो आपको जवाब देना है 19 का राइट जवाब क्या होगा, 1935 का जो शासन अधिनियम है जिसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से हमारे संविधान में ली गई हैं। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आपको 20 का राइट जवाब देना है, तो वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन ड्वेरके सिस्टम धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? 21 का राइट जवाब दीजिए, मॉन्टेग्यू थे, जल्दी से बताइए, वो थे आपके तेज बहादुर सप्रू, नहीं मिंटो नहीं, चेम्स फोर्ड थे, याद रखिएगा। कौन था? चेम्स फोर्ड था। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? तो 22 का राइट जवाब होगा, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो है राजी करवाया था। 23 कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 23 का राइट जवाब होगा, सत्याग्राहियों पर ब्रिटिश के दमन के विरुद्ध नहीं, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध नहीं, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक
पंचॉट, ठीक, कम्युनिकल जो कम्युनल अवार्ड था इसके विरुद्ध जो है उन्होंने क्या किया था, जो है अपना अनशन आमरण अनशन किया था। 24 कह रहा कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी था। आपको 24 का राइट जवाब देना है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, यही राइट जवाब हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है कि निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार जो है प्रयोग किया। ऐसे याद रखिएगा, मजदूर होता है भूखा तो कहाँ करेंगे, 1918 के अहमदाबाद मील मजदूर में करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो डायर था कायर, ऐसे याद रखिएगा, डायर था कायर, इसलिए इसने दे दिया था गोली चलाने का आदेश। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो 27 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, वो थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, तो विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना नहीं, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न का मतभेद होना नहीं, गांधी का शांतिवाद नहीं, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, तो डी आपका 28 का डी राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद, ये 6 वर्ष तक रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1940 में बने थे, 1946 तक ये रहे थे, रामगढ़ के अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूछता है तो रामगढ़ के अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बने थे। अगला कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, आपको 30 का राइट जवाब देना है, तब वो कोलकाता में थे, तो 30 का राइट जवाब क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो बताइए जल्दी से किसके तहत हुआ था, 31 का आपको राइट जवाब देना है, वो था माउंटबेटन योजना, कौन थी, माउंटबेटन योजना थी जिसके तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 32 का राइट जवाब देना है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। चलिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो यही पहला और अंतिम था सी राजगोपालचारी, अंतिम भी पूछ लेगा तो यही रहेंगे, याद रखिएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है, 34 का राइट जवाब आपको देना है, मोहम्मद अली जिन्ना को ही कायदे आजम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 कह रहा है कूट है, पहले पढ़ते हैं कूट, पहले देखिए फिर मैं आपको कूट दिखाऊंगा, फिर आपको राइट जवाब देना है। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, पहले देख लीजिए आप लोग, इसको देखिए, कूट को देखिए, तब मैं आगे बताता हूँ, ये है आपका कूट, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं और 35 का राइट जवाब क्या होगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, भारतीय राष्ट्र जो राज्य थे उनको एक सूत्र में पिरोया था, लौह पुरुष के रूप में, सरदार भी इनकी एक उपाधि है, याद रखिएगा, ठीक है, सरदार के रूप में भी ये जाने जाते हैं, देश बंधु इनकी उपाधि नहीं है, ये चित्तरंजन दास की, किसकी है, चित्तरंजन दास जी की है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो 36 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, देखिए गांधी जी में दो शब्द हैं, ऐसे याद रखिएगा, गांधी और जी, तो एक शब्द दो शब्द, बस दूसरा याद रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, क्योंकि जब जी मिलेगा तभी तो गांधी जाएगा, तो याद रखिएगा दूसरे में जी जी कर रहे थे अंग्रेज, तभी गांधी जी गए थे, आपको ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा। चलिए 37 पर चलते हैं,
कह रहा है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। 38 का राइट जवाब दीजिए। वो देखिए इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चितरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है, याद रखिएगा देश बंधु इन्हीं की ही उपाधि है। ठीक है, चलिए पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। डायर था कायर, मेरी ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, डायर था कायर, इसीलिए इसको मारा किसने, जल्दी से बताइए। 39 का जवाब दीजिए, जो इसमें सबसे तगड़ा नाम आपको लग रहा होगा, डायर था कायर, इसीलिए इसको ऊधम मचा दिया, ऊधम सिंह ने इसको ऊधम मचा के मार दिया, याद रखिएगा ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दिया था। 40 कहते हैं कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, जल्दी से आपको इसका जवाब देना है, साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए। 40 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा, तो आया था 1928 में, दिन पूछे तो याद रख लीजिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अब चलते हैं 40 के बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया। 41 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए, 1921 में आया था, याद रखिएगा। 42 कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और आपसे पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हैं और इसकी पुष्टि गांधी जी भी करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने इन पर एक पुस्तक लिखी है, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है ना, ये जो है ये गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, तो जो गांधी जी के गुरु हैं वही गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये डी वाला ऑप्शन मिलेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचनाकार कौन है, 43 का राइट जवाब होगा इकबाल है। कौन है, इकबाल है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो 44 का आपको राइट जवाब देना है, बताइए दीन बंधु कौन जाना जाता है। C.F. एंड्रूस को इनको कहते हैं दीन बंधु, याद रखिएगा कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, और इनको कहते हैं देश बंधु, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कन्फ्यूज कर करके पूछ लेता है, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है, 45 का राइट जवाब देना है महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, और 46 का राइट जवाब जल्दी से आपको देना है, तो 46 का राइट जवाब क्या होगा, पहले आप कूट देखिए, ठीक है, तब आगे बात करिएगा। चलिए अब मिलाते हैं इसको, सबसे पहले आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर ठीक है दो हो जाएगा, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन एक हो जाएगा, फिर गांधी इरविन पैक्ट 4 हो जाएगा, फिर पूना पैक्ट 3 हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3 यही आपका क्रम है। आइए कूट में देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। 47 का आपको राइट जवाब देना है। गांधी जी कितनी दूरी तय किए थे? 385 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने तय की थी, याद रखिएगा। गांधी जी ने किस वर्ष, मतलब किस कानून को काला कानून कहा था? और रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून कहा था, ठीक है ना। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए। 49 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह भी गांधी जी के साथ थे। चंपारण में किसानों की समस्या थी, याद रखिएगा। कौन आज़ाद हिंद फौज, नील किसान जो थे चंपारण में, ये उनकी समस्या थी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। 50 का आपको राइट जवाब देना है। कौन है जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो ये हैं तो गलत हो जाएगा, ये भी हैं तो गलत हो जाएगा, ये भी हैं तो गलत हो जाएगा, आरसी दत्त, ठीक है। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 51 को आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, स्वराज पार्टी। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए जानते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1923 को देश बंधु जिसको चित्तरंजन दास कहते हैं और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने किया था, याद रखिएगा। कब? 1 जनवरी को, ठीक है। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 52 कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो बताना है, 52 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है कमेंट करके। तो वो हुआ था आपका मुंबई में 1918 में, याद रखिएगा। तो 52 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 53 कह रहा है किससे, मतलब किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को नहीं, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को नहीं जाना जाता है, ये आपके जो खुदाई खिदमतगार हैं इन्हीं को जाना जाता है, याद रखिएगा। 54 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो 54 का राइट जवाब क्या होगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था नहीं, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी नहीं, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। 55 पर, 55 क्या कह रहा है? 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध के स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को किसने लौटा दिया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। तो 55 का राइट जवाब होगा वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। 1 सुब्रमण्यम अय्यर हैं, मद्रास के नेता थे, जो उनको भी नाइटहुड और सर की उपाधि मिली थी, इन्होंने भी अपनी उपाधि लौटाई थी। और ये कब लौटाई थी अपनी उपाधि? जब जो है एक लीग का गठन एनी वेसेंट ने किया था, उस लीग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, उस लीग का क्या नाम था बताइए कमेंट करके। जो लीग एनी वेसेंट ने गठित किया था उसी लीग में वो सदस्य थे, और जब एनी वेसेंट को ऊटी में नज़रबंद किया जाता है तो उसी के विरोध में उन्होंने क्या किया था, अपनी जो है उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था, नाइटहुड और सर की। तो एनी वेसेंट ने कौन सा लीग चलाया था? तो वो होम रूल लीग था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर पर चलते हैं, देखिए 36 लिखुटा है, ये 56 है, ठीक है। 56 नंबर कह रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आपको इसका राइट जवाब देना है, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला कह रहा है 57 कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 57 का आपका राइट जवाब क्या होगा? वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए 58 क्या कह रहा है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ये नहीं है तो कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लास 6 की एनसीईआरटी में हिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही आपको इस बुक का जिक्र मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए 59 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 59 का राइट जवाब क्या होगा? मोतीलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, तो डॉक्टर अंसारी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 60 कह रहा है कि 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आपको राइट जवाब भी देना है, तो जल्दी से कमेंट करके आपको 60 नंबर का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा इलाहाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर कह रहा, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? तो 61 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है कमेंट करके। तो 61 का राइट जवाब क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं, भारत सरकार कानून अधिनियम 1858 नहीं, तो ये किया था उन्होंने अगस्त 1917 की घोषणा में जो है इसको उन्होंने जाहिर किया था। चलिए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो 62 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो वो आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, यही हमने बताया था जहाँ पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपनी जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये 63 नंबर का क्वेश्चन है और 63 का राइट जवाब क्या होगा आपको जवाब देना है, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। ठीक है, चलिए 64 कह रहा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइस, ये किसकी उक्ति है? तो 64 नंबर का आपको राइट जवाब देना है क्या होगा, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू की ही उक्ति है, याद रखिएगा। 65 नंबर कह रहा है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 65 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके राइट जवाब देना है, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए 66 कह रहा है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये सभी भाई को इसका आंसर पता होना चाहिए, तो 66 का राइट जवाब जल्दी से कमेंट करके दे दीजिए, कितनी बार बने भैया? तो गांधी जी केवल और केवल एक ही बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 67 कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको 67 का जल्दी से राइट जवाब देना है क्या होगा, तो 67 का आपका राइट जवाब क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, तो इसका राइट जवाब होगा भगत सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो 68 का आपको राइट जवाब देना है, बताना है कौन था जो शामिल नहीं था। तो 68 का आपका राइट जवाब कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, 69 कह रहा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, 69 का आपको राइट जवाब देना है, तो वो जे वी कृपलानी, याद रखिएगा। कौन था? जे वी कृपलानी, अर्थात आज़ादी पर कृपा हुई, ऐसे याद रखिएगा, आज़ादी पर कांग्रेस की कृपा हो गई तो जे वी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 70 का आपको राइट जवाब देना है, वो कौन था? रेडक्लिफ था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? रेडक्लिफ था। 71 कह रहा है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो 71 का जल्दी से राइट जवाब आप लोग दे दीजिए, जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा कर रहे थे, नहीं साबरमती आश्रम में थे, नहीं जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। 72 नंबर कह रहा है,
इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का आपको जल्दी से कमेंट करके जवाब देना है। तो SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इन्हीं की एक पुस्तक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, ये भी इन्हीं की ही पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या क्या नाम था? तो 73 का आपको राइट जवाब देना है। तो 73 का राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, इंडियन ओपिनियन था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 74 का राष्ट्र सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 74 का आपका राइट जवाब जो होगा, जल्दी से राइट जवाब दीजिए। तो 74 का राइट जवाब होगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर पर चलते हैं, कह रहा है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका 75 का राइट जवाब ए हो जाएगा, महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। 76 नंबर कह रहा है, कहाँ 21 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो 76 का राइट जवाब होगा सिंगापुर में, कहाँ, सिंगापुर में, याद रखिएगा। 77 देखिए आपका मैचिंग से है, तो पहले आप इसको देखिए, फिर कूट को देखिए, फिर जवाब दीजिए। चलिए अब आपको कूट दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है घटनाओं के क्रम को सुमेलित कीजिए, कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग, ये क्रम से हैं, तो 1, 2 और 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 78 क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 78 नंबर का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। तो क्या होगा, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए तो 78 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए, तो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 पर चलते हैं, देखिए 79 भी आपका मैचिंग से ही संबंधित है, तो पहले ऑप्शन देखिए फिर कूट पर हम लोग चलते हैं, कूट क्या कह रहा है फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, चलिए अब मिलाते हैं। चलिए कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल, तो क्या हो जाएगा इसका, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय, बेक अप इंडिया एनी बेसेंट, ट्रांसफर पावर इन इंडिया बीपी मेनन, तो क्या हो जाएगा 4, 2, 3, 1, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, डी वाला हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 80 का आपको राइट जवाब देना है, याद रखिएगा भारत छोड़ो एक चर्चा थी और एक बड़ी चर्चा थी, उस समय चर्चिल था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 81 कह रहा है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 81 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा 82 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 82 का राइट जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से दीजिए, हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। 83 नंबर कह रहा 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 83 का राइट जवाब देना है, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना बिल्कुल नहीं, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना बिल्कुल नहीं, तो क्या था, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना नहीं, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, यही राइट जवाब हो जाएगा। करा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 84 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, B.R. अंबेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, या इनमें से किसी ने नहीं, तो इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए, तो वो महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को होता क्या है, 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का नेतृत्व
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 85 पर। कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो 85 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ये भी नारा गांधी ने दिया था, और वही जो अभी भारत छोड़ो जो आंदोलन था 8 अगस्त 1942 का चला था, उसी में गांधी जी ने ये नारा दिया था, याद रखिएगा। 86 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था, तो 86 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। 87 कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए इसका क्या कहा गया था, इसका बहिष्कार किया गया, इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था, आपको जवाब देना है 88 का जल्दी से। तो 88 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1935 से नहीं, तो कब हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, याद रखिएगा। दो बार 19 आएगा तो द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाएगी, याद रखिएगा। 89 है आपका सूची, पहले आप देख लीजिए तो फिर हम सूची को मिलाते हैं, ठीक है। तो 89 का आपका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से आपको देखना है। चलिए चलिए मिलाते हैं। कह रहा है कि अगस्त घोषणा कब हुई थी, तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय होती, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिटगो, ठीक है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना। तो 1 2 4 3 याद रखिएगा, 1 2 4 3 आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। 90 कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो जल्दी से आपको 90 का राइट जवाब देना है, वो बारदोली सत्याग्रह था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 91 कह रहा है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है, कि मोतीलाल नेहरू ने कहा था, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ठीक, कि लॉर्ड रीडिंग ने कहा था, ठीक। बताइए 91 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, देखते हैं कौन भाई इसका राइट जवाब देते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 पर कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो 92 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए, महात्मा गांधी ने बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था, आपको बताना है, 93 का राइट जवाब देना है, वो अहमदाबाद, ठीक है, राइट जवाब अहमदाबाद होगा। 94 कह रहा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 94 का राइट जवाब क्या होगा, आपको कमेंट करके देना है, तो वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखिएगा। 95 कह रहा है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, तो 95 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इस चीज़ को कहा था, याद रखिएगा। 96 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुरी कहाँ है, 96 का राइट जवाब हो जाएगा, यह जबलपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। 97 कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो जल्दी आपको 97 का राइट जवाब देना है, कमेंट मार करके जल्दी से दीजिए, तो 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, 98 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, कौन कहा था, तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू कहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 99 कह रहा फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गांधी ने कहा की थी, दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिनिक्स फर्म, ठीक है। चलिए तो इसकी जो स्थापना है किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अगला है कह रहा है इनकलाब का नारा किसने दिया, तो जल्दी से बताइए, इसको तो सब लोग जानते हो भैया, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा।
कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इकबाल का संबंध किस स्थान से है तो आपको बताना है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर। तो भैया ये आपके जो इकबाल महोदय हैं इनका संबंध आपका कहाँ है? इनका संबंध पंजाब से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे थे। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हों कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।